आज हम कक्षा 11वीं में राजनीति विज्ञान का अध्याय जो 10 है उसका नाम है संविधान का दर्शन। हमने संविधान के बारे में पढ़ा, कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया, लेकिन आज हम संविधान की उस भावना के बारे में पढ़ते हैं कि हम संविधान बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था। हम शांति स्थापित करना चाहते हैं। हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने जैसे ही हमें आज़ादी प्राप्त हुई तो उन्होंने संविधान को किस भावना से बनाया कि क्या-क्या समस्याएं हमारे भारत में उत्पन्न हो सकती हैं, तो उनके पीछे क्या एक नैतिक दृष्टिकोण था उन्होंने ये सोच के संविधान बनाया। तो संविधान वास्तव में एक आत्मा की आवाज है कि हम विश्व शांति और अपने भारत देश में शांति के पक्ष को मजबूत करना चाहते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि अंतरात्मा संविधान की एक जीवंत वस्तु है। तो इस प्रकार संविधान में हम क्या पढ़ सकते हैं उसके दर्शन को हम समझेंगे। तो हमें संविधान की भावना को समझना है, संविधान की कुछ मूल विशेषताओं को समझना है, उसमें आने वाले जो शब्द हैं समानता, धर्मनिरपेक्षता, इन सब शब्दों के अर्थों को समझना है। और आपको मालूम है कि जब कोई भी चीज़ का निर्माण होता है तो उसमें कुछ आलोचनाएं भी होती हैं, कुछ विवाद भी होते हैं, वो भी देखना है, और संविधान में कुछ कमियां भी होती हैं। तो इस अध्याय में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो संविधान के दर्शन का क्या आशय है? दर्शन मतलब उसकी नैतिकता, उसकी अंदर की भावना। तो ये क्या है? तो संविधान आपको मालूम है ये एक नियमों का क्या है, समूह है, और उस संविधान के कारण ही उस देश की शासन व्यवस्था अच्छे से चलती है। तो संविधान सिर्फ कानून से ही नहीं बनता है, हमें उसमें जो संविधान के अंदर जो भावना निहित है हमें उसके बारे में देखना पड़ता है। एक नैतिक दृष्टि या एक राजनीतिक दर्शन काम कर रहा है उसके बारे में देखना। तो हमें तीन बातें पढ़नी पड़ेंगी यहाँ पर इससे संविधान का जो दर्शन है, कि संविधान के दर्शन में जो शब्द आते हैं अधिकार, नागरिकता, अल्पसंख्यक क्या है, लोकतंत्र क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, समानता क्या है, इसके बारे में हमें पहले पढ़ेंगे। साथ में जब संविधान बना है तो हमारी जो पारंपरिक मान्यताएं हैं, बुनियादी मूल धारणा है, और उसके अनुसार समाज और शासन व्यवस्था कैसा होना चाहिए, तो जिस बात को ध्यान में रखकर हमारा संविधान बना न्यू हुई है, तो हमें उस पर विचार करना चाहिए। उस पर हमें अपने गहरी पकड़ मतलब उस पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और संविधान बनता है साथ में देश में, उस संविधान में कभी कभी कुछ जो नियम होते हैं, कुछ अनुच्छेद होते हैं, कभी कभी वर्तमान परिस्थिति में उचित नहीं होते हैं, तो वो किसी पर बहस होती है, विवाद होता है, तो हमें पूर्व पहले का भी जाना पड़ता है कि किस बात पर वहाँ पर विवाद हुआ, तो हम चाहते हैं कि उसका समाधान हम अच्छे से करें। और उन व्याख्याओं के बीच जो विरोध पैदा होता है तो हम उसको जांचें कि ये समस्या क्यों आई। तो संविधान के आदर्श हैं जो हमें उनका इस्तेमाल करना है, और संविधान जो दर्शन है, संविधान की जो अंतर आत्मा है उसके अनुसार हमें समस्याओं का समाधान करना है। तो संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन है। संविधान में आपने पूर्व में पढ़ा कि हम संशोधन करते हैं वर्तमान स्थितियां, सामाजिक स्थिति को देखते हुए। तो वैसे भारत में तो अभी तक संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन कुछ अंशों में उसमें हमें संशोधन करना पड़ा। जो हमारे 103 संशोधन हुए वो वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए करना पड़ा। अभी तक हमारे भारत देश में संविधान में कोई ऐसी क्रांतिकारी घटना नहीं हुई कि जिससे कि संविधान में कोई भी आरोप लगा हुआ हो। तो पर संविधान का मतलब है कि निरंकुश,
संविधान क्या करता है, निरंकुश शक्तियों पर, निरंकुश मतलब मनमाना व्यवहार, उस पर हम नियंत्रण करते हैं। इसमें देश की सर्वोच्च कानून होते हैं। यदि कोई संस्था संविधानों के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, तोड़ती है, तो उसे न्यायालय द्वारा अप्रामाणिक माना जाता है। संविधान में सभी के अधिकार, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो सबके अधिकारों की सुरक्षा करती है। और जो हमारा संविधान है लोकतांत्रिक, उसमें हमारा जो प्रस्तावना लिखी हुई है, उद्देश्य प्रस्ताव, आपने देखे थे ना संविधान के उद्देश्य क्या है, नेहरू जी ने भी उद्देश्य प्रस्ताव दिए थे। तो हमें हमारा लक्ष्य क्या है वो हमें पूरे होने चाहिए। तो संविधान सभा, जब संविधान बना तो संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया। तो हमें वहां भी जाना है कि उन्होंने कोई भी जो नियम बनाया, अनुच्छेद बनाया है, तो उसका विशिष्ट उद्देश्य क्या था, उन्होंने आगे तक का सोच के जो संविधान निर्माता थे, तो हमें उनके सरोकार और मंशा, मंशा मतलब उनकी इच्छा को जानना है। और आज की जो बदली स्थितियों पर भी हमें उस पर विचार करना है। तो जो अमेरिका का संविधान था वो 18वीं सदी में लिखा गया, और आज 21वीं सदी में यदि हम उस संविधान के कुछ अंशों को इस्तेमाल करें तो कहना अनुचित होगा, क्योंकि वर्तमान स्थिति बदल गई है। लेकिन भारत का संविधान अभी 20वीं शताब्दी में ही लिखा गया है, और वहाँ पर अभी ऐसी स्थिति नहीं हुई, कोई कोई भी क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया, खास परिवर्तन नहीं हुआ। तो हमारा जो संविधान का इतिहास है वो वर्तमान का इतिहास भी है। तो इसलिए हमें, तो भी हमें पहले के संविधान निर्माताओं, संविधान का जो राजनीतिक दर्शन है वो क्या है, तो हमारी जो प्रस्तावना है उसमें लिखे हुए हैं। सबसे पहला शब्द आता है हम भारत के लोग। तो आप ये जो हैं हम पढ़ेंगे। अब हमारी जो प्रस्तावना है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो सारा संविधान का जो निचोड़ है वो सब हमारी प्रस्तावना में आ रहा है। तो हम प्रस्तावना की विशेषताओं के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। हम भारत के लोग, इसमें दिया है कि जैसे हमें आज़ादी मिली, स्वतंत्र भारत में हमने अपने संविधान को क्या किया, अंगीकृत किया, मतलब देश में लागू किया। और सारी जो संविधान है उसमें किसको महत्व दिया गया, जनता को, लोकतंत्र, भारतीय जनता में सारी स्थितियों को लागू किया गया। और जो निर्माता हैं वो भारतीय जनता के क्या है, प्रतिनिधि हैं, जो संविधान सभा में जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। और जो भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है, मतलब जो संविधान बना उसमें प्रस्तावना में ही ये बात कही गई। और भारत के लोग हैं मतलब भारतीय जनता ने संविधान को बनाया है। अब पूरी जनता तो एक साथ जाएगी नहीं, तो उनकी जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने ये बनाया गया है। दूसरा इसका जो है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि आंतरिक या बाह्य दृष्टि से भारत पर किसी विदेशी सत्ता का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि अब हमारा भारत क्या हो गया है, आजाद हो गया, और भारत के लोग ही अपना संविधान निर्मित कर सकते हैं। तीसरी जो विशेषता है वो समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य का मतलब है कि समानता होनी चाहिए, लेकिन अधिकांश जो अधिसंख्यक सदस्य थे उन्होंने व्यक्त किया कि किसी एक दर्शन विशेष से छोड़कर विवाद का विषय बनाया जाना उचित नहीं होगा। तो समाजवादी शब्द प्रस्तावना में कब शुरू में जोड़ा था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। और इसको 42वें संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द बाद में जोड़ा गया, पहले नहीं था। और उसको एक समानता के आधार पर समाजवादी राज्य क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। शुरू में नहीं जोड़ा था, लेकिन 42वां संशोधन, ये बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है, 1976 में, और ये जोड़ा गया। चौथी विशेषता है
धर्म निरपेक्ष राज, सभी धर्मों के लोग, आता है प्रस्तावना के शब्द में, कि जो मतलब संविधान में कोई विशेष धर्म का कोई भी महत्व नहीं है, तो इस शब्द को जोड़कर हमने प्रस्तावना को एक सार्थकता, एक महत्वपूर्ण बताया कि धर्म के विषय में भारत पूर्ण तटस्थ है। देश के समस्त नागरिकों को किसी भी धर्म को अबाध गति से मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, अपने धर्म में पूजा पाठ करने की उसको पूर्ण क्या रहेगी, स्वतंत्रता प्रदान है। कोई भी राज्य देश किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहन नहीं दे, मतलब ऐसा नहीं कि कोई अपने धर्म को चलाए और ना किसी धार्मिक नीतियों में हस्तक्षेप करेगा। तो इस प्रकार भारत का क्या है, एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, और संविधान में इस धर्म निरपेक्ष राज्य की गणना की गई है। पांचवी विशेषता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का है कि जो शासन की जो सर्वोच्च शक्ति है वो जनता में निहित है, जनता के द्वारा ही जनता के बीच से प्रतिनिधि का चुनाव होता है, ना कि वंश के आधार पर। ब्रिटेन में राजा या रानी होते हैं और उनका जो चुनाव होता है वो वंशागत होता है, वहां पर वंशागत होता है, लेकिन अपने भारत देश में आप चुनाव होते हैं लोकतंत्र, और जो राष्ट्रपति का चुनाव भी होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इस प्रकार ये लोकतंत्रात्मक मतलब जनता के द्वारा ही अपने देश के प्रमुख प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। फिर है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये नाम से आप स्वतंत्रता, व्यक्तियों को अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता है, नागरिक स्वतंत्रता है, और अपने किसी भी व्यवसाय को चुन सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। और बंधुत्व का अर्थ है देश के समस्त नागरिकों में भाईचारे की भावना विकसित करना है, आपसी बैर को भुलाना है। सातवां है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय। प्रस्तावना में इसका भी वर्णन किया है कि किसी विशेष या कुछ लोगों की भलाई न होकर समस्त नागरिकों की भलाई करना है। सभी नागरिकों को हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करना है, ये संविधान में लिखा हुआ है। ये सारी जो बता रहे हैं ये प्रस्तावना की विशेषता है। अगली है देश की एकता और अखंडता, हमें इसकी रक्षा करना है। 42वें जो संविधान संशोधन हुआ उसमें एकता के साथ अखंडता शब्द भी जोड़ा गया है। हम देश की अखंडता के लिए भावना रखते हैं, और राष्ट्र प्रगति में हम क्या हो सकते हैं, अग्रसर हो सकते हैं। इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, धन्यवाद। चलो हो गया।